चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। उनको 3 महीने से या 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और आप क्या कहते हो कि पैर धो दिया आपने, मजाक थोड़ी ना है, आप पैर धो के चले गए, सिर पे बिठा लें कि आपको फिर। अरे आप रोज़गार के लिए भी तो कुछ करिए, और हमारे लोग सीवर में उतरते हैं उनके लिए तो कुछ करिए, कितने लोग मर जाते हैं। आप चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। अभी हम मथुरा शहर के चुरियाना मोहल्ला में हैं। चुरियाना मोहल्ला मुख्य रूप से यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, और अभी कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि समाज के कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। बहुत बड़ी खबर बनी, ये दिखाया गया कि हमारे प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दिल है, कितने संवेदनशील हैं वो दलितों के मुद्दों को लेकर, खासकर कि वाल्मीकि समाज के मुद्दों को लेकर। आज हम चुरियाना मोहल्ले के कुछ वाल्मीकि समाज के कुछ नौजवानों के साथ हैं, बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे सिर्फ कैमरे के सामने पैर धोने तक ही सीमित हैं, या क्या उससे ज़्यादा और बड़े गंभीर मुद्दे आज वाल्मीकि समाज के सामने हैं। चलचित्र अभियान के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मीडिया इस तरीके से दिखाती है कि ही इज़ द हीरो ऑफ आर नेशन, और वो बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, और लेकिन सभी को पता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था और कुछ नहीं था। जो लोग थे उनको 3-3 महीने से वेतन तक नहीं मिला था, और झुग्गियों में रह रहे थे, पिन्नियाँ डाल के स्लम्स पे रह रहे थे वो, और यही था कि अगर आप पैर धो रहे हो तो उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा, आप सिर्फ पैर धो के चले जा रहे हो, आपका फ़ायदा हो रहा है, आपका पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है, आप अपनी राजनीति चमका रहे हो। लेकिन अगर आप उसकी जगह प्रयागराज में, उस टाइम पे कुंभ जुड़ा हुआ था, कुंभ में बहुत मेला होता है, वहाँ की सफाई करना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है इतना सफाई करना, और वहाँ के लोगों के आप सिर्फ पैर धो के चले जाओ, जिनका आप अगर देखो कि उनको 3 महीने से या 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, और आप क्या कहते हो कि पैर धो दिया आपने, मजाक थोड़ी ना है, आप पैर धो के चले गए, सिर पे बिठा लें कि आपको फिर। अरे आप रोज़गार के लिए भी तो कुछ करिए, और हमारे लोग सीवर में उतरते हैं उनके लिए तो कुछ करिए, कितने लोग मर जाते हैं। आप आज का हमारा सफाई कर्मी अकेले महाराष्ट्र में 10 से लेकर 15 सफाई कर्मी डेली मरते हैं सीवर में घुसने के कारण। आप बात करते हैं मशीनों की, 21वीं सदी है, हाईटेक साइंस इतना आ गया है कि हम जमीन से आसमान में सैटेलाइट भेज सकते हैं। मार्स में हमने भी सैटेलाइट भेज दिए हिंदुस्तान, मार्स में भेजा, लेकिन हमारी सरकार फालतू के कामों में पैसा वेस्ट कर रही है। एक मूर्ति बनाई थी लेकिन 3000 करोड़ मूर्ति में लगाया, 1200 करोड़ हमारी सरकार ने 1200 करोड़ प्रयागराज में दिया, 3000 करोड़ और 1200 करोड़ इसको एक जगह इकट्ठा करके उन सफाई कर्मियों पर खर्च किया जाता तो हो सकता है एक से एक ऊँची हाई मशीन उन सीवरों पर वर्क करने के लिए आ सकती थी। पर क्या हुआ, मशीनों की तो बात दूर की रही, एक मार्क्स नहीं मिलता है जो सीवर में जाने के, जो सीवर में वर्क करते हैं, काम जो करते हैं सफाई कर्मी, उनको एक मार्क्स नहीं मिलता है। अपना ही जो वो घर से जो ले जाते हैं स्वापा वापा जो होते हैं उसी को वो मुँह से बांधते हैं जब वो उसमें एंटर करते हैं। अब वो गए अंदर, जो उनके साथ ऊपर जो खड़े हुए हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये बचेगा या मरेगा, जिंदा वो उसको तब मानते हैं जब वो सीवर साफ करके ऊपर आ जाता है। ये 70 साल हो गए हैं हमारे देश को, पता नहीं सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। खाली सरकार के पास क्या दो ही मुद्दे रह गए हैं, राम मंदिर और कश्मीर की धाराएं, ये मुद्दे तो बिल्कुल छोटे मुद्दे हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ पड़ोस में ही आपके कोई सीवर में किसी की डेथ। अभी तकरीबन एक साल पहले, इसी महीने की बात है, एक साल पहले रूपेश नाम का एक व्यक्ति था, तो वो सीवर साफ़ करने के लिए गए थे, तो सभी लोग कपड़े उतार दिए उन लोगों ने, और कपड़े उतार दिए तो सीवर साफ़ करने के लिए वो लोग उतरे। अब वहाँ उसमें उन्होंने कुछ, वो बताते हैं कि ऐसा कूड़ा वूड़ा हटाया तो उसमें से कुछ गैस निकली, तो वो गैस निकली तो वो उसके कारण वो बेहोश हो गया। अब वो बेहोश हुआ तो वो ऐसे करके डायरेक्ट मुंह के बल गिरा, तो उसकी सांसें वहाँ से सब बंद हो गई। ये चुरियाने मोहल्ले के ही थे? जी जी, उसकी सांसें वहाँ से सब बंद हो गई। फिर उसके बाद उसके साथ दो और थे, है ना,
दो वो भी बेहोश हो गए थे लेकिन वो वैसे के रहे थे जिनके सांसें बंद नहीं हुई थी। वो सबसे आगे थे तो सबसे ज़्यादा अटैक उन पे हुआ था, उनकी सांसें बंद होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। फिर उनको बाद में रस्सों वस्सों से निकाला गया था, बहुत भद्दा लग रहा था कि किसी आदमी को। इंसान थे वो, लेकिन उस वक्त हालत उनकी जो थी कंडीशन जो थी जानवर से भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। आप लोग क्या महसूस करते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या दलितों के प्रति रवैया और ख़राब हुआ है या आपके? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है योगी जी की, तो उनका कहीं हद तक ये मानना है कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में वर्णन व्यवस्था दोबारा से लाई जाए। जो पुराने समय में दलितों की हालत थी कि शूद्र बना दिया जाता था, इनको छेक दिया जाता था बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है उनकी धारणा ये है कि फिर से वर्णन व्यवस्था लाई जाए। और उससे ये है कि वर्णन व्यवस्था अगर देखा जाए तो मथुरा में काफ़ी अच्छी तरीके से चल भी रही है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो एरिया है चुरियाना मोहल्ला, भरतपुर गेट के ज़्यादातर जो भी एरिया है पूरा एरिया दलितों का है, जिसमें आपके जाटव आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, लोधी आते हैं, बहुत सारी जातें आती हैं जो कि छोटी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो उधर का एरिया जितनी भी हाई कास्ट का एरिया है वो सारा आपका ऊंचाई पर है और ये एरिया आपका नीचाई पर है। शायद मेरे वो पिताजी हैं, उनके बचपन से ही यानी कि 50-60 साल पहले से ही यहाँ मीठे पानी की कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पर हमें पानी खरीद कर लाना पड़ता है या 1.5-2 किलोमीटर जाकर खींच कर लाना पड़ता है, ठीक है। तो इस विषय में किसी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया पानी के लिए। फिर दूसरी बात ये है कि एजुकेशन की अगर हम बात की जाए तो जब हम अपने चुरियाना मोहल्ला एरिया के अंदर आते हैं तो अनएजुकेटेड है। अब कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि रोज़गार नहीं है, आज है रोज़गार कल नहीं है, ठेकेदारी पर है, ठेकेदारी पर भी आज 2-2, 3-3 महीने की आपकी सैलरी रुकी हुई है, तो इस वजह से एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा समाज जो और पिछड़ता जा रहा है। योगी जी ने तो ये भी कह दिया था कि जो श्री हनुमान जी हैं वो दलित हैं, उनकी थ्योरी ये थी कि हनुमान जी हमेशा श्री राम के चरणों में झुके रहते थे और राम जो है वो एक सिंबल है उसका, ब्राह्मण्स का, और जो वो सिंहासन पर रहते हैं और उनके चरणों में जो हैं वो दलित हैं हनुमान जी, इसलिए दलित। आपके यहाँ जो सांसद रही हैं अभी पिछले 5 साल हेमा मालिनी जी, मशहूर अभिनेत्री हैं, लेकिन उनका राजनीतिक काम कैसा रहा? उनका राजनीतिक काम देखिए, पहली बात तो वो एक अभिनेत्री हैं, मतलब उन एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, तो एक कलाकार हैं वो। तो हमारे यहाँ पे एक मुक्ता काशी रंगमंच है, उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है और जो जितने भी मथुरा के कलाकार हैं उनको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी रंगमंच कलाकारों के लिए नहीं है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो भी गांव उन्होंने गोद लिए थे, जिनको उन्होंने कहा था कि हम इनको आदर्श गांव बनाएंगे, उनकी भी हालत हम लोग देख कर आए हैं। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार हालत है उनकी। और आप देख लीजिए कि हमको पानी खरीद के पीना पड़ता है और वो एडवर्टाइज़ करती हैं किसी कैंट आरओ का। क्या बाहर जब आप जाते हैं, इस मोहल्ले से बाहर जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, क्या जातीय भेदभाव किसी रूप में आप लोग महसूस करते हैं? कुछ जगह पर हमको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि अगर हम कुछ बोलें तो वहाँ पे वो लोग उन पर अटैक भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले अगर एक वो भी था हमारे पास हथियार था जो कि SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज प्रिवेंशन है, तो वो भी उन्होंने अब हटा दी, कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये वाल्मीकि समाज अगर कहीं पर आवाज़ उठाने भी जाएगा तो उसको चुप करा देते हैं। अगर हम कोई कॉल, मेरा एक दोस्त था वो, उसको स्कूल में पढ़ता था वो, पहले मेरे साथ ही था, लेकिन मेरी उसको सर को मालूम नहीं थी कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। जब उसको ये पता चली गया वाल्मीकि समाज से है, तो उसने उसको पढ़ाने की बजाय उसको मारा और ये कहा कि तू मुझसे टच होकर क्यों गया। आसपास के जो गांव हैं आप जाओगे तो वहाँ एक परिवार या दो परिवार को बहुत से वक्त 5 घर मिलेंगे आपको देखने। उनके साथ इतना अत्याचार होता है वाल्मीकि समाज के साथ, घर में वो जाते हैं जबरन उनकी बहन बेटियों के साथ, जो उनके मन में है वो करते हैं। शादी है किसी की, दूल्हा वहाँ से घोड़े पे चढ़ के नहीं निकल सकता, ये तो वो बोलते हैं कि भंगी का है तू। योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम है इस प्रेजेंट टाइम में, जब वो दलितों से मिलने पहुँचे तो मिलने से पहले उन्होंने शैम्पू साबुन सेंट परफ्यूम वगैरह
भिजवाए उनके लिए, दलितों के लिए, बाल्मीक समाज के जो दलित थे उनके लिए, कि अब नहाना ठीक तरीके से साफ होना जब मैं आपके बीच में आऊँगा, जब आपसे बातचीत करूँगा। वो ऐसा क्यों? क्या मोदी जी या कोई भी और प्रधानमंत्री, और शायद इस पर सिर्फ भाजपा ही नहीं लेकिन सारी पार्टियां कहीं ना कहीं शर्मसार होने की ज़रूरत है कि आज भी हमारे समाज में ऐसा काम हो रहा है, आज भी हमारे समाज में लोगों को गटर के अंदर घुस के सफाई करनी पड़ रही है। कब आएगा ये बदलाव? क्या 70 साल की आज़ादी के बाद जब हम जश्न मनाते हैं कि इस तरह की हमारी तकनीकी आविष्कार हो गए हैं कि लोग मार्स तक हम सैटेलाइट भेज पा रहे हैं, लेकिन गटर के अंदर एक मशीन जाकर सफाई कर ले, ये तकनीकी आविष्कार कब आएगा हिंदुस्तान में? क्या पहले वो तकनीकी आविष्कार ज़्यादा ज़रूरी नहीं था? ये सवाल शायद सिर्फ भाजपा के सामने ही नहीं है लेकिन हर राजनीतिक पार्टी के सामने है कि 70 साल आज़ादी के बाद भी इस तरह का छुआछूत, इस तरह का भेदभाव कैसे हम अपने समाज में होने दे रहे हैं। चलचित्र अभियान के साथ आप सब जुड़े रहें, हम आपके सामने चुनावी खबरें लाते रहेंगे।